स्टार प्लस का शो अनुपमा लंबे वक्त से नंबर वन शो बना हुआ है। हालांकि पिछले कुछ वक्त से शो को लेकर विवादों की खबर सामने आई है। शो को बहुत से स्टार्स ने छोड़ दिया। सुधांशु पांडे, निधि शाह और पारस कलनावत उन स्टार्स में से हैं जो अब शो का हिस्सा नहीं है। हाल ही में तीनों स्टार्स ने अनुपमा शो को लेकर बात की। इस दौरान निधि शाह ने बिना नाम लिए रूपाली पर आरोप लगाए कि उनकी वजह से उनके सीन काटे जाते थे। बख्तियार ईरानी और अली असगर के पॉडकास्ट में निधि शाह, सुधांशु पांडे और पारस कलनावत से शो छोड़ने की वजह पर सवाल किया गया। उनसे पूछा गया कि क्या मेन लीड रूपाली गांगुली के साथ काम करना मुश्किल है। इस सवाल पर निधि शाह ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, वो एक अच्छी एक्ट्रेस हैं। जैसे ही निधि ने ये जवाब दिया, सुधांशु और पारस हंसने लगे, जिसके बाद निधि ने कहा कि मैं सच बोल रही हूँ, जिसके बाद पारस ने निधि को एक अच्छी लड़की कहकर बुलाया, जिसके बाद निधि ने कहा कि हर सेट पर दो तीन लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से काम करना मुश्किल होता है। पॉडकास्ट के होस्ट ने कहा कि और ये दो तीन लोग अभी शो का हिस्सा हैं जो तीन लोगों की नौकरी खा गए। पारस ने इस बातचीत पर कमेंट करते हुए कहा, मेरे सीन्स काटे गए थे। पारस की बात सुनकर निधि ने कहा, ऐसा तो मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, सीन्स भी काटे गए थे और कपड़ों को लेकर भी तकलीफ होती रहती थी, हेयर को लेकर भी तकलीफ होती रहती थी। पारस ने तब कहा कि हाँ, लड़कियों के साथ तो अलग ही होता था। निधि ने कहा, मेरे साथ तो बहुत होता था कि इसको क्यों इतने अच्छे कपड़े दिए गए। बता दें, निधि ने शो में किंजल का किरदार निभाया था। किंजल शो में अनुपमा की बहू होती है। पारस को शो से निकलवाया गया था, वहीं निधि और सुधांशु ने अपनी इच्छा से शो को छोड़ा था। इस अपडेट पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।